नमस्कार। कई बार सफलता जल्दी प्राप्त करने की चाह में हम ईश्वर के रास्ते ना जाकर कोई शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं, जैसे कि हमें कोई तंत्र मिल जाए, कोई मंत्र मिल जाए, या फिर कोई टोना टोटका कर लें जिससे कि हमारे मन का काम जल्दी हो जाए। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि इस रास्ते पे चलने वाले लोगों को सफलता मिले ना मिले, लेकिन लेने के देने जरूर पड़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ महाराज जी के एक मुसलमान भक्त के साथ हुआ। तो आइए सुनते हैं आज की ये कथा। लखनऊ के एक मुसलमान भक्त के बरेली में रहने वाले संबंधी ने एक फकीर से ज्यादा धन प्राप्ति के लिए याचना कर डाली। फकीर ने भी मौज में आकर उसे अरबी फारसी में कोई मंत्र बता दिया और ये कहा कि तुम 40 दिन तक इसे लगातार जपना और फिर एक आकृति प्रकट होगी जो तुम्हारा मनोरथ पूरा कर देगी। जब उस व्यक्ति ने इस मंत्र को जपना शुरू किया तो 40 दिनों के जप के बीच में ही उस व्यक्ति का मन कुछ बदल सा गया और उसने सोचा कि अगर सचमुच कोई आकृति प्रकट होगी तो फिर मैं उससे धन नहीं मांगकर ये कहूंगा कि वो मुझे ईश्वर के दर्शन करा दे। और फिर ऐसा ही हुआ। 40 दिनों तक लगातार जप करने के बाद जब आकृति सचमुच प्रकट हुई तो उस व्यक्ति ने उस आकृति से ईश्वर दर्शन करने की याचना कर डाली। अब चूंकि वो बहुत ही निम्न स्तर की आकृति थी, ये भी कह सकते हैं कि जिन्न था, तो ईश्वर के दर्शन वाली बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया और उसने इस व्यक्ति को अलग अलग तरीके से सताना शुरू कर दिया, जैसे कि उसका खाना पीना मुश्किल कर दिया, सोना जगना मुश्किल हो गया, यहाँ तक कि कोई भी काम चैन से करना हराम हो गया, यहाँ तक कि कभी कभार तो सोते सोते उसकी खटिया भी पलट जाती थी। बेचारा मुसलमान व्यक्ति दिन पर दिन सूखता चला जा रहा था। मदद मांगने के लिए वो वापस उसी फकीर के पास गया जिसने कि उसे वो पहले वाला मंत्र दिया था, लेकिन इस बार फकीर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सका। टोने टोटके सब बेकार हो गए। वो जिन किसी भी तरीके से काबू में नहीं आ रहा था, बल्कि वो और भी अधिक उग्र हो उठा था। तब किसी ने उसे बाबा नीप करौली जी के पास जाकर फरियाद करने की बात बताई। अब मरता क्या न करता, वो मुसलमान याचक इस हिंदू बाबा को ढूंढता ढूंढता इनके द्वार आ गया और फिर बाबा जी के पास आकर अपना सारा दुखड़ा रो रो कर बताने लगा। बाबा जी से इस जिन से किसी भी तरीके से मुक्ति पाने के लिए वो प्रार्थना करने लगा, लेकिन एकादश रुद्र अवतार हनुमान स्वरूप बाबा जी भला अपने आप को कैसे प्रकट होने देते, वो भी सबके समक्ष। तो उन्होंने कुछ इस तरीके से बात कही, अरे तुमसे किसी ने झूठ कह दिया है, हम कुछ नहीं जानते। हाँ, यह कंबल है जो हमको किसी साधु ने दिया है, ये तुम ओढ़ लो,
शायद इससे तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाए। और ऐसा कहकर उन्होंने अपना कंबल उतारकर उस मुसलमान व्यक्ति को दे दिया। बस फिर क्या था, हनुमान स्वरूप बाबा श्री का कंबल ओढ़ते ही मुसलमान व्यक्ति के अंदर से जिन गायब हो गया और उसको ऐसी शांति मिली मानो मीलो जेठ की दोपहरी में तपती बालू के ऊपर नंगे पांव चलने के बाद पीपल की ठंडी ठंडी छांव हासिल हो गई हो। पर बाद में जब उस व्यक्ति को ये पता चला कि वह कंबल तो बाबा जी महाराज का ही था, तो वो तन मन धन से उनका मुरीद हो गया और अक्सर आते जाते उनके चरणों में वह कंबल रख कर उनको शीश नवाता था। बाबा जी महाराज अपनी शक्ति के द्वारा अपने भक्तों को, आश्रितों को असाध्य रोगों से बड़ी मुसीबतों से मुक्ति दिलाते रहते थे। उनकी ऐसी लीलाओं की कोई सीमा नहीं थी। कभी भी कहीं भी पुकारे जाने पर बिना पुकारे गए बाबा जी महाराज कभी प्रत्यक्ष रूप से तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से अपने इन भक्तों को, आश्रितों को कठिन से कठिन रोगों से, व्याधियों से उबारते रहते थे। और आज भी उनका ये सिलसिला वैसे ही जारी है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए और बाबा जी से जुड़ी और कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते। Ram, Ram, Ram.